संस्कृत संचरण में आप सभी का स्वागत है। नया तरीका लेके आए हैं, कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं हम इसमें कितने सफल हो पाते हैं। अभिभाव समास जाना था हमने, और कुछ इसमें हमने एक मिनट ठीक है ये देखते हैं। हाँ ये ठीक है। अभिभाव समास इसमें तीन चार सूत्र रह गए हैं, आज लगभग समास समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद जो बचेगा वो समासांत बचेगा। मैंने बताया था कि समासांत में लगभग पाँच छः सूत्र लगते हैं, उसको हम बड़े अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। इससे लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आती है समासांत, ठीक, कोई बात नहीं, हमको ज़्यादा लिखना नहीं है, समझाना नहीं है। आप जो कुछ है इस पर लिखा हुआ है, आप सिर्फ देखते रहेंगे, और इससे ज़्यादा नहीं है अभिभाव समास। एक एक शब्द को लेकर के परिभाषा कर दी है हमने, सूत्र पहले भी लिखा दिए थे, दोबारा से फिर बताते चलेंगे। एक सूत्र है पारि मध्य षष्ठेवा, इसलिए दो शब्द इसमें शुरू में ले लिए हैं, एक और दो। पार और मध्य जब भी शब्द आ जाए किसी भी शब्द के साथ में, तो उनके साथ में अभिभाव समास होता है, लेकिन विकल्प से, क्योंकि षष्ठ्यावा सूत्र लगा हुआ है। इसमें तीन स्थिति बनती हैं। एक स्थिति बनती है अभिभाव समास होता है, दूसरी स्थिति बनती है षष्ठी तत्पुरुष समास बनता है, क्योंकि षष्ठ्यावा शब्द का प्रयोग किया गया इसमें, ठीक है। और तीसरी जो स्थिति बनती है इसमें वाक्य की, अर्थात जैसा वाक्य है वैसी ही व्यवस्था इसमें रहेगी, क्योंकि हमने इससे पहले भी वीडियो डाला था, उसमें बताने का प्रयास किया था कि अभिभाव वहाँ पर भी विकल्प से होता था और यहाँ पर भी विकल्प से ही होगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। एक बार और बता दूँ, पारि मध्य षष्ठेवा एक सूत्र है, उसके द्वारा पार और मध्य जब भी शब्द आ जाएंगे तो अभिभाव समास होगा विकल्प से, पक्ष में षष्ठी तत्पुरुष समास होगा, और वाक्य भी बना रहेगा। ये तीन स्थितियां बनेंगी। अब इसमें पहचान कैसे करेंगे, कौन सा अभिभाव समास है और कौन सा तत्पुरुष समास है और कौन सा वाक्य है, इसके लिए थोड़ी सी पहचान है। पार मध्य में जब भी पार शब्द आ जाएगा, पार में एक ही मात्रा लग जाएगी, मध्य में जो एक ही मात्रा है ये जब लग जाएगी, तो आपको याद रखना अभिभाव समास हो जाएगा। लेकिन सीधा सीधा गंगा पारम, गंगा मध्यम, गंगा और पारम और मध्यम, ये दोनों शब्द में कहीं भी मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाएगा एका, तो हमको समझना है कि षष्ठी तत्पुरुष समास के अंतर्गत है। जब भी वाक्य का मतलब वाक्य होता है, ये हम सब जानते हैं, तीन क्वेश्चन में आ गई होंगी, ठीक है। तो अब हम इनको छोड़ देते हैं, ये समझ में आ गया होगा षष्ठी तत्पुरुष समास है और ये वाक्य के अंतर्गत दिखाया गया है। वाक्य वही होता है जिसको हम चर्चा में कर चुके हैं कि लौकिक विग्रह और वाक्य दोनों चीज एक ही होती है। तो अब इसमें लौकिक विग्रह को देख लेंगे हम। पार गंगम यानी गंगा के पार, इसका अर्थ है, तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, गंगा या पार ये इसका प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ही गंगा के मध्य में, तो गंगा या मध्यम ये इसमें प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जो प्रयोग है वो मध्यम और पारम, इसमें आप कोई सी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, पारात भी कर सकते हैं, पारम भी कर सकते हैं, पारण भी कर सकते हैं, जो हमने विभक्तियों के बारे में जाना, ठीक है। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब अलौकिक विग्रह के बारे में हर बार बताया है, जब भी अलौकिक विग्रह की चर्चा की जाएगी तो हमको ये ध्यान रखना है कि लौकिक विग्रह में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, हमको ये देखना। तो देखिए यहाँ गंगा या षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, पारम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, तो इन गंगा और पार दोनों शब्दों को लगा करके इनके शुभ प्रत्यय का प्रयोग कर लिया जाएगा। गंगा शब्द लगाया, उसकी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर दिया शुभ का, अर्थात शुभ प्रत्यय का, पार शब्द लगाया और शुभ प्रत्यय का द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया, ये इस तरह से प्रयोग कर लेते हैं। ऐसे ही गंगा या मध्यम में षष्ठी तत्पुरुष समास है, यहाँ पर तत्पुरुष समास बोल गया हूँ, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो ऊपर जैसा विग्रह किया गया अलग विग्रह वैसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं,
दूसरा जो सूत्र हमने अध्ययन किया था, दूसरे सूत्र का, वो था, मैंने इसलिए बुलाया है हमेशा कि आप सूत्रों का अध्ययन अवश्य करते चलें। जब तक आप सूत्रों का अध्ययन नहीं करेंगे समस्या बनी रहेगी। संख्या वंशेन एक सूत्र था। संख्या वंशेन का तात्पर्य क्या है कि उसमें जो शब्द होगा पहला वो संख्या शब्द होगा, जैसे दुई है, त्रि है, चतुर्थ है, पंच है, षष्ठ है, एक विंशति है। इसलिए हमने तीन उदाहरण लिए हैं, दुई, त्रि और एक विंशति, ये लिए, ये हमेशा रहेंगे शब्द में। दूसरा शब्द क्या था उसमें, संख्या वंशेन। वंशेन तात्पर्य क्या होता है, वंश, यानी कि एक ही वंश से संबंधित होनी चाहिए चीज़ें, उनका समान अधिकरण होना चाहिए, उनका आधार एक ही होना चाहिए, तो उन दोनों में अव्यभाव समास होता है। और ये अव्यभाव समास कैसे होता है, नित्य होता है, ठीक है, इसको हमको याद रखना है, क्योंकि ऊपर तो हमने समझे थे विकल्प, लेकिन ये जो समास होता है वो नित्य होता है। इसमें लिख नहीं पा रहा हूँ सही से, और मुझे नहीं लगता है इसमें लिख पाऊँगा, सही नहीं चल पा रही चीज़ें, आपको बस सुनना है मेरी बात को, ठीक है, ये नित्य होता है। इसमें और भी कुछ नीचे जितनी भी बताऊँगा मैं, वो सारे नित्य होते हैं। तो उदाहरण के रूप में हम देखें दुई मुनि, दुई मुनि से तात्पर्य क्या है, ये अव्यभाव समास हो गया दुई मुनि। अगर इसका हम लौकिक विग्रह करें तो लौकिक विग्रह जैसे इसमें दिखाया है, द्वौ मुनि यानी कि दो मुनि, दो मुनि का मतलब द्विवचन प्रयोग किया जाएगा, मुनि में भी द्विवचन का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन कोष्टक में हमने वंश्यो दिखाने के लिए वंश शब्द का प्रयोग किया है। आप इसको करें या ना करें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है और इसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जब इन दोनों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, क्यों किया गया है लौकिक विग्रह में, क्योंकि हम जानते हैं विभक्तियों को दर्शाया जाता है, क्योंकि यहाँ दो मिनि है, दो मिनि में हमेशा द्विवचन है, द्विवचन में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाए। जब द्वितीय विभक्ति का इसमें प्रयोग किया गया है तो अलौकिक विग्रह में सुप प्रत्यय के जो द्वितीय विभक्ति है उसका प्रयोग कर लिया जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, जैसे त्रिमुनि है, त्रिमुनि में भी वही बात है जो इसमें दर्शाई गई है, इसमें भी क्योंकि बहुवचन का प्रयोग हो गया है तो त्रियो मुनिया वंश्या, वंश्या त्रिया दर्शाने के लिए बताया गया है, तो त्रि जस मुनि जस, जस कहाँ का, सो औ जस अर्थात बहुवचन का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे है एक विंशति, एक विंशति शब्द के साथ में एक विंशति भारद्वाजम, भारद्वाज, ठीक है ना, भारद्वाजम अर्थात एक विंशति भारद्वाजा वंश्या अर्थात एक ही वंश में, मतलब भारद्वाज वंश में जन्म लेने वाले 21 भारद्वाज, ये इसका तात्पर्य है। एक विंशति का मतलब 21 भारद्वाजों की गिनती करी होगी तो ब्राह्मण होंगे, तो बताया गया है एक विंशति भारद्वाज यानी कि भारद्वाज वंशजी यानी वंश में उत्पन्न होने वाले 21 ब्राह्मण मौजूद हैं, इस तरह से बताया गया होगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जब एक विंशति है तो ये बहुवचन का प्रयोग ही हम जानते हैं, और भारद्वाज बहुवचन का प्रयोग है, बहुवचन का प्रयोग है तो एक विंशति प्रयोग होने के बाद में जस का प्रयोग हो जाएगा, भारद्वाज शब्द का प्रयोग होने के बाद में इसमें भी जस का प्रयोग कर लिया जाएगा। इतनी सी बात है, बहुत सरल विधि से समझा रहा हूँ, और ये शब्द हैं, इससे ज़्यादा अविभाव समास कुछ नहीं है, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि ये बस अंतिम है, या इससे ज़्यादा नहीं है। अब जो भी व्यवस्था रह जाएगी वो टच प्रत्यांत शब्दों की रह जाएगी, वो हम आगे देख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक जो प्रयोग किया गया था वो था संख्या वंशेन सूत्र के द्वारा। इसी के द्वारा अगला जो सूत्र बताया था मैंने, नदी भीष्ट, नदी भीष्ट, नदी भीष्ट से तात्पर्य जो चावाद में प्रयोग किया गया है उसका तात्पर्य है कि नदी शब्द से प्रयोग, नदी जब शब्द आ जाए जैसे गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, जो भी चंबल है, जब भी जो उसका नाम आ जाए, नदी भीष्ट, नदी का जब भी नाम आ जाएगा और उसके साथ में दो या त्रि संख्या शब्द का प्रयोग होगा तो वह शब्द अविभाव समास के अंतर्गत आएगा। जैसे दो शब्द है, संख्या वंशेन में से चा के द्वारा संख्या शब्द को यहाँ ले लिया गया है, यह हम अध्याय कर लेते हैं, ये अष्टाध्यायी का नियम है। तो दुई और त्रि शब्द के द्वारा यहाँ मैंने
दर्शाने का प्रयास किया है। आप थोड़ा सा देखेंगे, दुई यमुनम अर्थात दो नदियाँ, दो यमुना नदी, ये इसका तात्पर्य है। द्वयो यमुनयो समाहारः, अब इसमें समाहारा शब्द का प्रयोग किया गया है, समाहारा शब्द इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हालांकि अगर दो सूत्रों जो सब प्रयोग करेंगे तो द्वंद्व समास में चले जाएंगे, लेकिन हम द्वंद्व में नहीं जा सकते इन सूत्रों के द्वारा, नदीविश के द्वारा और संख्या वंशेन के द्वारा। संख्या वंशेन इसमें चले जाएंगे बहुव्रीहि समास में, और इसमें चले जाएंगे द्वंद्व समास में, लेकिन उन दोनों को अपवाद के रूप में अर्थात उनको बाध करके ये सूत्रों का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर अविभाव समास होगा। तो अब यहाँ पर दो हैं, द्विवचन है, लेकिन बहुवचन का प्रयोग है, द्विवचन का प्रयोग है किसका, द्वे यमुनाओं का समाहार, कापि के अर्थात षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया। तो षष्ठी विभक्ति का द्विवचन का सुप प्रत्यय में प्रयोग कर लिया जाएगा, बस इतना विग्रह हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही सप्त के साथ में सप्तगंगम सप्तानाम गंगानाम समाहारा, अब यहाँ पर सप्तानाम गंगानाम ये बहुवचन प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ दो यमुना थी इसीलिए द्विवचन का प्रयोग किया गया था, ये सात है यानी बहुवचन है, तो बहुवचन है तो आम सुप प्रत्यय का प्रयोग कर लिया जाएगा। ये किसके अंतर्गत है, ये अलौकिक विग्रह के अंतर्गत है, ये किसके अंतर्गत है, ये लौकिक विग्रह के अंतर्गत है, और ये अविभाव समास, ये भी अविभाव समास के अंतर्गत है और नित्य समास के अंतर्गत आएगा, ठीक है। चलिए, आशा है ये आपको बात समझ में आ गई होगी, फिर भी यदि आपको नहीं आता है, सुविधा नहीं कर पा रही है, तो मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, क्योंकि ये अगर मैं ऐसे ही व्यवस्था दूंगा आपको तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो दे सकता हूँ। अब इससे हटके भी एक सूत्र था, हमने याद करो थोड़ा सा, क्योंकि मैं बोलता हूँ आपको याद करना आपको बहुत जरूरी है, जब तक आप याद नहीं करेंगे मैं आपकी कोई भी सहायता नहीं कर सकता, ठीक है। तो एक सूत्र था तिष्ठतु प्रवृत्ति, तिष्ठतु प्रवृत्ति चा, अर्थात ये समझ लो तिष्ठतु एक गण है, क्या है गण। अब ये समस्या है गण क्या होता है, गण से तात्पर्य होता है ऐसे शब्दों का समूह जिसमें एक ही जैसे प्रत्ययों का वर्णन होता है, वो पाणिनी अष्टाध्याय के अनुसार गण कहलाते हैं, अर्थात पाणिनी के अनुसार गण कहलाते हैं। गणों की व्यवस्था भी अलग दे रखी है, जब मौका मिलेगा तो मैं आपको गण भी बताने का प्रयास करूँगा सूत्रों के माध्यम से, और यदि कमेंट मिलेंगे मुझे 8 से 10 तो मैं आपको गणों की एक अलग से व्यवस्था बता दूंगा, ठीक है। खैर हमें गण में ले आ रहे, तो तिष्ठित भू एक प्रवृत्ति ही चाहे, तिष्ठित भू एक गण है, उसमें बहुत सारे शब्द आते हैं, उन सभी शब्दों से अविभाव समास होता है, और वह कैसे होता है, नित्य होता है, ये भी समास कैसा होता है, नित्य समास होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर तिष्ठित भू पहला शब्द ये है, हाँ एक चीज होता था, जन्म गण के हिसाब से गण का नियम याद कर लो, गण का मतलब होता है जिस नाम से शुरू होता है वो गण उसी के नाम से जाना जाता है, पहला जो शब्द होता है वो गण उसी नाम से जाना जाता है, तिष्ठित भू एक गण है, इसलिए पहला शब्द ये है, इसलिए उसी गण का नाम तिष्ठित भू प्रवृत्ति नीचा कर दिया गया, अर्थात वह समय जब गौएं दोहने के लिए खड़ी होती हैं, यानी वो शाम का समय और सुबह का समय, ये दोनों समय के लिए प्रयोग किया जाता है तिष्ठित भू शब्द, ठीक है। ऐसे ही इन सभी शब्दों के अपने कुछ ना कुछ अलग अर्थ निकलते हैं, वह भू खले सम खले वयम, खले वयम का मतलब जहां यह कूटे जाते हो ऐसा खल, लून यवम लून मान यवम आदि, ये सब काल विशेषणवाची हैं, विषम प्रहणम प्रदक्षिणम संप्रति असंप्रति दंडादंडी आदि, ठीक है। एक चीज और बता दूं यहाँ पे, ये इतने जो शब्द मैंने बताए थे ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, ये गलत हो गया है, ये तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, तिष्ठित भू प्रवृत्ति विचार के अंतर्गत आता है, उसको आपको याद रखना है,
बाकी जितने भी अब समास बताए जाएंगे अंत में प्रत्ययों का बोध कराते हैं, अभिभाव समास के अंत में लगने वाले प्रत्ययों का बोध कराते हैं, यानी कि अब समासांत के बारे में वर्णन करेंगे, लेकिन हम इसमें समासांत के विषय में आपको नहीं बताएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये थोड़ी सी बात समझ में आई होंगी और आने वाले समय में बड़े अच्छे से समासांत का वीडियो बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।